एवरीवन वेलकम हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप इतनी सर्दी हो रही है कि बोला भी नहीं जा रहा ओके हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हे एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है एंड आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्टाइलिश इन विंटर क्योंकि भाई इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है कि हम अपनी फेवरेट ड्रेस नहीं पहन सकते क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी है कि हम लोग कट स्लीव हम लोग ड्रेसेस हम लोग गाउन हम लोग वेस्टर्न ड्रेसेस अपनी शॉर्ट ड्रेसेस हम नहीं पहन सकते सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इन विंटर आप स्टाइल कैसे देखिए एंड बहुत सारे मैं टिप्स लेके आई हूँ हैक्स लेके आई हूँ एंड गाइस आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है एंड प्लीज वीडियो का एंड तक देखना एंड अगर आपको कोई भी आउटफिट आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना क्योंकि ये वीडियो सच में गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो सो गाइस पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि ये प्रोडक्ट सबके पास होना चाहिए एंड आई थिंक अगर ये मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होता तो ये वीडियो अधूरी होती सो गाइस ये जो वूलन स्टॉकिंग्स है ना ये आज के टाइम पे इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है कि आप इंस्टाग्राम ओपन कर लो आप मोज ओपन कर लो आप फेसबुक ओपन कर लो आप यूट्यूब ओपन कर लो हर जगह ये स्टॉकिंग्स आपको देखने को मिलेगी एंड गाइस ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती है आपको 500 600 के अराउंड आपको मिल जाएगी आप चाहे तो अपना ऑफलाइन भी ले सकते हो नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो इसमें कलर्स अवेलेबल है बट ये जो बीच कलर है ना इसको स्किन टोन कलर होता है ना ये इतना ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि हम कैसे भी इसको स्टाइल कर सकते हैं अगर हम कलरफुल लेते हैं तो फिर वही रेड ब्लू आती है तो वो है ना हम लोग एक दो बार ड्रेस में पहन लेते हैं बट ये वाला कलर स्किन टोन वाला कलर ये हम साइड ड्रेस में पहन लेते हैं पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ ऐसी स्टॉकिंग्स पहनी हुई है तो ये इतनी ज्यादा वार्म स्टॉकिंग्स है ना कि आप इस लेयर को पहन लो एंड आपको बहुत अच्छी खासी आपको वार्म मिलेगी एंड आप इस स्टॉकिंग्स को किसी भी आउटफिट के नीचे आप इसको पहन सकते हो ये इतनी ज्यादा अच्छी है मेरे पास एक ब्लैक मैंने ऑर्डर किया है एंड एक स्किन वाली जो कि मैंने ये अमेज़न से ली है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है एंड मैंने जितने भी आउटफिट आज क्रिएट किया है मैंने मतलब हाउ टू स्टाइल इन विंटर सब में मैं इनको यूज करने वाली हूँ एंड ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है सो गाइज प्लीज वीडियो को एंड तक देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट इट तो जो मेरा फर्स्ट आउटफिट है उसमें मैंने एक डेनिम स्कर्ट लिए सबके पास है एंड बड़ी अच्छी लगती है इन विंटर्स हम इसको स्टाइल करते हैं इन डिफरेंट वेज सो यहाँ पर मैंने ये डेनिम स्कर्ट पहनी है एंड साथ में मैंने ये ब्लैक हुडी पहनी है एक्चुअली आप चाहे तो शर्ट शर्ट भी पहन सकते हो आप चाहे तो हुडीज भी पहन सकते हो आप चाहे तो लॉन्ग जो आपके पास कोट होता है वो भी आप पहन सकते हो बट यहाँ पर मैंने हुडी के साथ इसको स्टाइल किया है क्योंकि भाई हुडीज तो मुझे लगता है कंपलसरी सबके पास ही है क्योंकि नॉर्मल चीज है ये सबके पास रहती है वो भी ब्लैक कलर में ब्लैक ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मेरे पास ब्लू डेनिम है तो इसके साथ ब्लैक तो यार सच में बहुत अच्छा लगेगा ये तो नॉर्मल सी बात है अगर आपके पास अनदर कलर है तो आप अपना कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हो वो आपकी चॉइस है बट मुझे ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद है सो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक हुडी पहनी है एंड ये बहुत ज्यादा वार्म है आप इसके अंदर 2 से 3 लेयर आप पहन सकते हो एंड उसके ऊपर आप हुडीज पहन सकते हो क्योंकि भाई सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है साथ में मैंने ये ब्लू डेनिम मैंने पहनी है एंड साथ में मैंने ये स्किन वाली वार्म स्टॉकिंग्स पहनी है पहनने के बाद मैंने ये ब्लैक कलर की है ना एक बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये एंड आप देख सकते हो थोड़ा ये है ना ट्रांसपेरेंट वाला फैब्रिक है तो मैंने इसके ऊपर इसको पहना है एंड मतलब बहुत ही प्यारा लुक आया अभी आप ट्राइन पार्ट में देख लेना एंड ये भी मैंने अमेजोन से लिया है मेरे पास स्किन एंड ब्लैक कलर में दोनों में है एंड इसका फैब्रिक थोड़ा जॉर्जेट फैब्रिक है एंड बहुत अच्छा मटेरियल है फैब्रिक बहुत अच्छा दे रखा है इन लोगों ने साथ में मैंने ब्लैक कलर की बूट्स पहने हैं एंड ये लुक इतना प्यारा लग रहा है कि आप इस लुक को फंक्शंस में बर्थडे पार्टी में आप किसी अच्छी पार्टी में जा रहे हो आप मतलब एक्सपेंसिव पार्टीज में जा रहे हो तो आप वहां पर भी इस लुक को पहन के जा सकते हो इतना प्यारा कैजुअल लुक है एंड गाइस ये लुक मेरा सच में बहुत ज्यादा फेवरेट है एंड आप कुछ अपने आउटफिट को है ना कलर में चेंज कर सकते हो आप जरूरी नहीं है कि आपको ब्लैक ही पहनना है फिर ब्लू ही पहनना है आप चाहे तो आपके पास जो भी अवेलेबल है तो आप उसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो बट ये दोनों चीज इतनी ज्यादा अच्छी है ना मतलब मेरा इसको निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता ये इतनी ज्यादा वार्म है सो अभी आप ट्रेंड पार्ट में देखोगे कितना प्यारा लग रहा है ये आउटफिट Show me what you're all about. I got wasted learning. So guys,
सेकंड आउटफिट में रेड ड्रेस पहनने वाली हूँ एंड ये मैंने वैलेंटाइन डे पे ली थी एंड ये बहुत प्यारी ड्रेस है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इन विंटर में इसको स्टाइल करूँ। सो बहुत सारी ड्रेसेस आपके पास भी होगी बट आप विंटर में स्टाइल नहीं कर पाते हो, बट कोई बात नहीं, मैं हैक लेके आई हूँ। सो यहाँ पर मैं एक मेरे पास ब्लैक कलर का ये हाई नेक वाला टॉप है, ये हुलन टॉप जो कि मैंने अमेजोन से लिया था एंड ये थोड़ा सा स्पार्कल वाला है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबके पास हाई नेक वाला जो ब्लैक टॉप होता है वो सबके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाय कर लो, आपको ऑफलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो साथ में मैं इसको पहनने वाली हूँ इसके नीचे एंड ये बहुत ज्यादा वॉर्म प्रोवाइड करता है एंड साथ में मैं ये स्किन वाली वॉर्म स्टॉकिंग्स पहनने वाली हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं पहनूंगी क्योंकि ये ऐसा लगता है कि पहनने के बाद लगता ही नहीं कि हमने कुछ पहना हुआ है, बिल्कुल हमारा स्किन टोन में मैच हो जाता है, तो मैं इसको नीचे पहनूंगी एंड देन मैं इसके ऊपर ये अपना ब्लैक कलर का कोट पहनूंगी। अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोट नहीं है तो आप चाहे तो ब्लैक कलर की जो स्वेटर्स आती है, लॉन्ग स्वेटर्स आते हैं, आप वो भी पहन सकते हो। साथ में मैं ब्लैक कलर के बूट्स पहनूंगी एंड साथ में आप स्कार्फ भी रख सकते हो, आप एक्सेसरीज पहन लो गोल्ड कलर की एंड साथ में आप बाल भी खुले कर सकते हो, पोनी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है, वॉच पहन लो एंड साथ में आप अपना पर्स भी ले सकते हो। सो जितने भी मैं आपको आउटफिट दिखा रही हूँ ना, ये इतनी ज्यादा स्टाइलिश है ना, बस आपको हैक्स को फॉलो करना है। आप इन आउटफिट्स को आप कहीं भी पहन के जा सकते हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, क्योंकि आप इनको पहन के जाओगे तो आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखोगे। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप ऐसे अपने आउटफिट को क्रिएट कर सकते हो एंड आप इस लुक को देखो एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरा फेवरेट लुक है। आप ऐसे ही अपनी ड्रेसेस को स्टाइल कर सकते हो इन विंटर। आउटफिट में मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी, ये अनमेरिड के लिए तो बेस्ट है अगर आपके कॉलेज में फंक्शंस आ रहे हैं या फिर आपके स्कूल में फंक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि फेयरवेल फ्रेशर्स पार्टी एंड आफ्टर पार्टी बहुत सारी पार्टीज चल रही है एंड शादियाँ फंक्शन इतने सारे, तो आप है ना थोड़ी सी लाइट वेट साड़ी लो एंड ये मैंने अमेजोन से ली थी, बहुत चीपेस्ट है, आई थिंक मैंने 450 या 500 के अराउंड ली थी एंड सबका मन करता है कि यार लहंगे वहंगे पहने हम लोग, बट कैसे पहने इन सर्दी में, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो पहला हैक मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपका ब्लाउज का पीस आ रहा है, लहंगे का आ रहा है, फिर साड़ी आ रहा है, आप उसको स्टिच ना करवा के आप ऑफलाइन चेकआउट करो, आपके लोकल मार्केट में आपको बहुत प्यारा प्यारा फैब्रिक मिल जाएगा। अगर आपको फैब्रिक में लेना है तो आप वेलवेट फैब्रिक लो, आपको वेलवेट फैब्रिक में इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना कि आपने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि कल ही मैं मार्केट गई थी, हमारे यहाँ पर मेरठ में लाल कुर्ती है घंटा घर के पास, एक प्रॉपर फैब्रिक मार्केट है, वहाँ पे मैंने इतना फैब्रिक देखा ना, मैं मतलब शौक हो गया, इतना फैब्रिक आता है, मतलब इतनी अलग अलग वैरायटी में मैंने देखा एंड मैं शौक हो गया सच्ची में, मैं मतलब इतनी कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या लूँ क्योंकि मैं अपने लहंगे के लिए ब्लाउज बनवा रही हूँ एंड मैं स्टिच करवा रही हूँ फुल स्लीव में, सो मैं कंफ्यूज हो गई यार मैं क्या बनवाऊँ, मतलब इतनी प्यारी प्यारी वैरायटी आ रही है। तो आप ऐसा कुछ चेकआउट कर सकते हो, उससे आप ना सर्दी से बच भी पाओगे क्योंकि वेलवेट फैब्रिक हमें वॉर्म प्रोवाइड करता है, तो उसका आप फुल स्लीव बनवा सकते हो एंड वो आपके बहुत काम भी आएगा क्योंकि वेलवेट फैब्रिक बहुत काम आता है सच में, ट्रस्ट मी गाइस। एंड आप साड़ी के नीचे अपनी जीन्स गाउन के नीचे या फिर आप अपने लहंगे के नीचे, मैं आपको हैक बता देती हूँ सेकंड हैक क्या है, आप अपने लहंगे साड़ी गाउन के नीचे आप जीन्स या फिर जो ग्रे लेगिंग्स आती है आप वो पहन सकते हो, नहीं तो मैंने आपको जो ये पीच कलर की स्टॉकिंग्स दिखाई वॉर्म स्टॉकिंग्स वो पहन सकते हो एंड साथ में आप नीचे शूज या फिर बूट पहनो, वो आपकी चॉइस, आपको क्या पहनना है, क्योंकि अगर हमारे पैरों में हमें वॉर्म मिलेगी तो फिर हमें ऊपर की तरफ सर्दी नहीं लगेगी, तो आपको अपने पहले पैरों में वॉर्म देना है क्योंकि लड़की को सर्दी सीधा पैरों से लगती है, क्योंकि मैं नोटिस कर चुकी हूँ, मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप नीचे लहंगे के नीचे कौन ही देख रहा है गाउन के नीचे साड़ी के नीचे, तो आप कुछ ऐसा पहन सकते हो, वॉर्म अपने लोवर पहन लो, अपना जीन्स पहन लो, जो आपकी चॉइस है वो पहन सकते हो। सो मैंने भी ऐसा कई बार ट्राई किया है एंड मैं आगे भी ट्राई करूंगी सर्दियों में, तो आप कुछ ये हैक ट्राई कर सकते हो। ये मैं अपनी साड़ी के नीचे ब्लैक वॉर्म स्टॉकिंग्स पहनने वाली हूँ, साथ में मैं ये ब्लैक कलर का टॉप पहनने वाली जो कि मैंने सरोजनी मार्केट से लिया था एंड ये हाई नेक टॉप है, इसकी जो स्लीव्स है वो पफी स्लीव है, फुल स्लीव है एंड मैं चाहे तो आप इसके नीचे ना जो डीपली इनर्स आते हैं वॉर्म इनर्स आते हैं आप वो भी पहन सकते हो, नहीं तो मुझे ये अच्छा खासा वॉर्म प्रोवाइड करता है क्योंकि बहुत अच्छा टॉप है, ये ब्लैक कलर का टॉप सबके पास होना चाहिए, वो भी हाई नेक वाला, आप स्वेटर ले लो या फिर टॉप ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं साथ में ब्लैक कलर के बूट्स पहनने वाली हूँ, ज्वेलरी में वो आपकी चॉइस है, आप अपनी साड़ी के साथ मैच करके पहन सकते हो, आप चाहे तो पोनी बना सकते हो, क्योंकि अगर हम हाई नेक टॉप पहन रहे तो आप पोनी बना लो हाई पोनी, तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने लहंगे साड़ी गाउन के नीचे आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हो, लेगिंग्स पहन सकते हो,
जीन्स पहन सकते हो एंड साथ में आप बूट एंड शूज भी पहन सकते हो। एंड गाइस अगर आपके पास आपको पसंद नहीं है हाई नेक वाले टॉप्स तो आप अपनी साड़ी के ऊपर आप लॉन्ग जो कोट्स आते हैं आप वो पहन सकते हो। आप ब्राउन कलर में और ब्लैक कलर का कोट ले लो क्योंकि ये दोनों कलर ऐसे हैं जो कि हमारे लहंगे एंड साड़ी के ऊपर अच्छे लगेंगे एंड स्टाइलिश भी लगते हैं। तो आप बाय कर लो, आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी लोकल मार्केट्स में, क्योंकि आजकल बहुत सारी लोकल मार्केट्स लग रही है जो जैसे हमारे यहाँ पर लाल कुर्ती है, दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, तो वहाँ पर आपको अच्छी प्राइस में आपको लोएस्ट प्राइस में आपको लॉन्ग कोट्स मिल जाएंगे। तो आप साड़ी के ऊपर लॉन्ग कोट्स भी पहन सकते हो एंड लहंगे के ऊपर भी, गाउन के ऊपर, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे बाय करना है। तो इस ऐप को प्लीज जरूर फॉलो करना है एंड साड़ी का लुक देखोगे कितना प्यारा लग रहा है। इस वीडियो का जो लास्ट आउटफिट वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सो मेरे पास बहुत सारी डेनिम जीन्स है एंड आई थिंक सबके पास भी होगी, बट समर्स में चीज अच्छी लगती है, हम डेनिम जीन्स पहने तो बड़े स्टाइलिश दिखते हैं, बट इन विंटर्स हम कैसे पहने भाई फटी हुई जीन्स, इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है, कड़कड़ी बर्फ जम जाएगी। सो यहाँ पर मेरे पास ये डेनिम जीन्स है एंड ये बहुत ज्यादा फटी हुई है, तो मैं इसके नीचे ये ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहनने वाली, जो बॉम स्टॉकिंग्स है, आप चाहे तो स्किन वाली भी पहन सकते हो, बट ब्लैक वाली ज्यादा स्टाइलिश लग रही है क्योंकि मैंने करंटली मैंने इस लुक को क्रिएट किया है एंड सबने मुझे पूछा भी कि तुमने इस लुक को कैसे कैसे क्रिएट किया, बड़ी अच्छी लग रही है। तो कुछ नहीं, सिंपल है, आप चाहे तो अपनी ब्लैक कलर की लेगिंग्स पहन सकते हो या फिर स्किन कलर की पहन सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट ब्लैक कलर की ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि फटी फटी में ना वो ब्लैक कलर आ रहा है तो बहुत प्यारा लग रहा है। इसके नीचे मैंने व्हाइट कलर के शूज स्टाइल किए हैं एंड ऊपर मैंने ये हाई नेक वाला ब्लैक टॉप पहना हुआ है। अगर आपके पास ब्लैक जींस है तो आप इसके ऊपर पिंक ब्लू आपकी चॉइस है, वो आपके पास कौन सा हाई नेक है, तो आप अपने आउटफिट को मिक्स मैच करके पहन सकते हो। तो ये मैंने ऊपर ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है, साथ में मैंने ये पफी जैकेट पहनी है एंड ये लुक इतना प्यारा लग रहा है। साथ में मैंने पर्स ले लिया एंड आप चाहे तो अपने ओपन हेयर भी कर सकते हो, नहीं तो आप पोनी भी बना सकते हो, एक्सेसरीज पहन लो, व्हाइट शूज पहन लो एंड ये लुक इतना प्यारा लग रहा है। इस लुक को भी आप कहीं भी क्रिएट करके जा सकते हो, मतलब ये भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड अभी आप ट्रेंड पार्ट में देख लो पहले, ये लुक सच में बहुत प्यारा लग रहा है। Show me what you're all about. I got wasted. कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। अगर आपको इन विंटर आपको स्टाइलिश सीखना है तो प्लीज इन हैक्स एंड टिप्स को जरूर फॉलो कर लेना, जब भी आप स्टाइलिश सीखोगे, जब भी आप अपने फेवरेट आउटफिट पहन सकते हो। सो पहले आप प्लीज मेरे मानो तो आप ये स्किन वाली वॉर्म स्टॉकिंग जरूर बाय कर लो, क्योंकि यार ये मस्ट है वे, ये स्किन वाली और ब्लैक वाली, तो क्योंकि इन दोनों ने मेरे आउटफिट को एक नया लुक दिया है एंड इनकी वजह से ही मैं अपने फेवरेट आउटफिट पहन पा रही हूँ इन विंटर। एंड साथ में आप ये ब्लैक कलर का हाई नेक जरूर बाय कर लो, क्योंकि आप इस हाई नेक को डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो, ब्लैक कलर का सबके पास होना चाहिए। सो जितने भी मुझे लिंक्स मिलेंगे मैं जरूर आपके साथ शेयर कर लूंगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा था। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय।